कि तुम बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? हम बिहार के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो कितना साल उम्र हो गया तुम्हारा? 11 साल की उम्र में बिहार के लोगों को संदेश दोगे? उस संदेश हम इसलिए दे रहे हैं, उनके भलाई के लिए हम दे रहे हैं, अपने भलाई के लिए दे रहे हैं। हम उन लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि शराब को छोड़िए और पानी पीजिए और बच्चों को पढ़ाइए और सरकारी स्कूल पर जो गलत काम हो रहा है उसको रोकिए। क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी तो सब तरह से सही हैं, उनको में कोई गलत नहीं है, लेकिन अब नीचे का अधिकारी जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप सच में ईमानदार हैं, ये बात सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैंने सैकड़ों वीडियो में बोला है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ईमानदार है, लेकिन आपके सारे के सारे अधिकारी भ्रष्ट है, लगभग 90% भ्रष्ट है तो सारे के सारे है, और इस वजह से इन सारे बच्चों का भविष्य नहीं बन पाता है। और कहीं नहीं तो कहीं धन्य है वो माता पिता जो जिन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया है और जिसके वजह से कुछ तो सुधार हो ही जाएगा। चलो संदेश पूरा करो। संदेश हम ये देना चाहते हैं कि कृपया शराब मत पिए और शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें और टैक्स हमेशा, जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, कितना को हम देखते हैं, समाचार हम सुने हैं कि टैक्स में घपला कर, टैक्स में अफी मत करिए, क्योंकि टैक्स सरकार का हक होता है और टैक्स नहीं भरिएगा तो हमारे देश में और राज्य में जो विकास होती है वो नहीं हो पाएगी। अच्छा सुनो सुनो सुनो, यूपी में दारू चालू है, सारे राज्यों में दारू चालू है, तो दारू से टैक्स आता है और टैक्स से जो है दारू से भी विकास होता है, पता है तुमको? दारू से विकास होता है, हम मानते हैं कि सरकार ही दारू को चलाई, लेकिन सरकार ये गलत की, क्योंकि हजारों आदमी के जो है लीवर खराब होते, किडनी खराब होते केवल दारू और ताड़ी की वजह से। तो दारू और ताड़ी पूरे देश में बंद होना चाहिए? हाँ, पूरे देश में बंद होना चाहिए, कहीं भी चालू नहीं रहना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी से कहो, नरेंद्र मोदी वो एक बार मिलेंगे तो ना, अब हम यहाँ से मोदी जी आपको जिस दिन मिलेगा उस दिन ही अपना कंप्लेन करेगा आपसे। यहाँ से उनको संदेश दे देते हैं कि आप पूरे देश में शराबबंदी और शिक्षा पर पूर्ण कड़ाई का जो कानून है उसको और दुगुना करके लागू कर दीजिए, ताकि दुगुना करके लागू कर दे। तो तुम कह रहा है कि पापा जी जेलों में जाने चाहिए और कुछ दिन में निकलियो जाने चाहिए? नहीं, तो दुगुना कड़ाई हो जाएगा तो तुम्हारे पापा तो हमेशा जेल में रह जाएंगे। तब वो कानून जानेंगे ना, कानून जानेंगे। सबसे ज्यादा शराब के कारो धंधेबाजियों पर मारिए, और शराब के जो है पीते हैं उनको आप सिविल ड्रेस में रहिए और उनको से पकड़ करके पता लीजिए कि शराब, अरे भाई आप लोग वर्दी का अथी नहीं करिए, आप लोग एक दिमाग से काम लीजिए। वर्दी एक कुछ काम का है, लेकिन वर्दी ही वर्दी पहन करके नहीं आइए। जब कुछ पकड़ने आते हैं तो वर्दी पहन कर नहीं, सिविल ड्रेस में आइए। पकड़ने नहीं आते होंगे, पैसा वसूलने आते होंगे तब? नहीं पैसा, हाँ लेकिन पैसा कोई नहीं लेंगे, जुर्माना जो रहता है वो कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ शराब धंधेबाजी जो रहते हैं उनके परिवार में, भाई वो अपने मन से चलते हैं और परिवार को उसमें दिक्कत होती है और वो पैसा नहीं जुटा पाते हैं तो गंदा गलत काम करने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है तुम्हारा कि शराब सब कोई छोड़ दे, पूरे देश में शराब बंद हो जाए और सारा अधिकारी ईमानदार हो जाए? हाँ, सारा अधिकारी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग सबको संदेश दे रहे हो, सुधार दीजिएगा तो समझ लीजिए, आप अगर सुधार गए तो समझ लीजिए हमारा पूरा देश सुधर गया। अधिकारी और IPS और IAS जो सुधर गए, समझ लीजिए हमारा पूरा देश विकास। कहाँ से दिमाग लेके आया इतना? ताली बजाइए इसके लिए। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। अच्छा ये सब बातें तुमको किसी ने सिखाया है कि तुम ऐसे ही सीख गए हो? किसी ने नहीं सिखाया, हम अपना जो है मेमोरी के जो रहता है ना। किधर है मेमोरी तुम्हारा? मेमोरी हमारा अभी दिमाग यहाँ है ये और जो कि हम देखते हैं कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का हम भाषण कभी कभी सुनते हैं अथी पर, क्या कहते हैं उसको, मोबाइल पर, तो हम देखते हैं। है तुम्हारे पास? हाँ, पापा लिए हैं, पापा लिए हैं। तो हम ये वो हमेशा उनको देखते बोलते सुनते हैं कि शराब बंद कर दीजिए, शराब से हमको ये पर, और हम सर्च मारे हैं कि शराब से क्या क्या जो है मैंने अथी होता है, बीमारी होती है, क्या क्या बीमारी? तो उसमें बताया गया कि लीवर खराब होता, मैंने उतना कुछ नहीं याद है अभी, लेकिन लीवर खराब होता है और जो है मैंने किडनी का जो है हानिकारक, किडनी का वो हानिकारक है, और शराब से नशा जो होता है उससे हमारे समाज में भी बुराइयां फैलती है। चलिए ठीक है, इस बच्चे के लिए आप लोग क्या कहेंगे? यही वो बच्चा है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आंखों में आंखें डाल के सवाल किया और बोला कि मुझे पढ़ने का अधिकार है, आप मुझे ये अधिकार दें, और इसको यह अधिकार मिलेगा। जय हिंद।